नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर महिला की अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने वाला आरोपी गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी के पास से सोशल मीडिया में अपलोड किए गए मोबाइल फोन बरामद किया गया। पीड़िता के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें लेख है कि पीड़िता के नाम से मोबाइल नंबर 9131988838 का धारक नरेश ठाकुर ने द्वारा पीड़िता के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर अश्लील फोटो वीडियो अपलोड किया और पूर्व में अश्लील फोटो अपलोड कर देने की धमकी देकर पैसे की मांग किया था। पैसे नहीं देने पर बदनाम एवं बेइज्जत करने की नीयत से उक्त कृत्य किया है कि पूर्व में मोबाइल धारक नरेश ठाकुर से पीड़िता का प्रेम प्रसंग रहा है, जिसके चलते पीड़िता नरेश ठाकुर से मोबाइल के माध्यम से बातचीत व वीडियो कॉलिंग किया करती थी और इसी दौरान नरेश ठाकुर पीड़िता के वीडियो कॉलिंग का रिकॉर्डिंग कर व फोटो सेव कर पीड़िता को पैसों की मांग कर धमकी देता था कि पैसे नहीं देने पर तुम्हारा अश्लील वीडियो व फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर तुम्हें बदनाम कर दूंगा कहकर धमकी दिया करता था, जिससे परेशान होकर पीड़िता अपने मोबाइल नंबर बंद कर दी थी कि मोबाइल नंबर बंद कर देने पर आरोपी नरेश ठाकुर द्वारा आवेश में आकर पीड़िता के मोबाइल नंबर से इंस्टाग्राम पर पीड़िता के नाम से फेक आईडी बनाकर पीड़िता का अश्लील फोटो व वीडियो अपलोड कर दिया गया। अपराध कायमी पश्चात वरिष्ठ अधिकारियों का अवगत कराते हुए साइबर सेल के माध्यम से मोबाइल धारक का पता तलाश करने हेतु थाना साकिल लोहारा पुलिस टीम द्वारा आरोपी नरेश ठाकुर पिता गोविंद सिंह उम्र 28 साल निवासी दिंघोरी थाना चीचली जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया व घटना में प्रयुक्त एक नग मोबाइल फोन को जब्त कर दिनांक 6/3/2024 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर जेल निरुद्ध की जाती है।